बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं ऑटो केयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर कुछ नई वैरायटी आपके लिए लेके आए हैं, कुछ नई नई चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक ऑटो केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल का आइकन भी दबा दें, तो उससे क्या होगा कि हर नए आने वाली वीडियो को आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो क्या है आज की वीडियो में, चलिए चल के देखते हैं। आज का पहला आइटम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, खूबसूरत से छोटे छोटे एलईडी बल्ब हैं जो कि रिमोट कंट्रोल के साथ आते हैं। ये बेसिकली पार्किंग बल्ब्स हैं जो गाड़ियों की और बाइक की पार्किंग लाइट में लगते हैं। इससे पहले भी आप हमारे चैनल पर देख चुके होंगे, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से एक तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, दूसरी जानब ये शार्ट हो गए थे, कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। बहरहाल अभी थोड़ा स्टॉक हमें कहीं से मिला है तो आपके लिए लेके आए हैं दोबारा। तो बहरहाल चलते हैं बल्ब की जानब। तो ये बल्ब होते हैं जी पार्किंग बल्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पेयर की सूरत में आते हैं। गाड़ियों में जो पार्किंग वाले होते हैं बल्ब, उनको निकाल के उनकी रिप्लेसमेंट में ये लग जाते हैं। अब ये बल्ब को अगर आप गौर से देखें तो ये तीन एलईडीज इस साइड और तीन एलईडीज इस साइड, छह एलईडीज आरजीबी एलईडीज इसमें लगी हुई हैं, रिमोट सेंसर भी है, और इस सारे के ऊपर एक सिलिकॉन की कोटिंग हुई हुई है जो इसको टूटने से भी बचाती है, इसको वाटरप्रूफ भी बनाती है और लॉन्ग लाइफ बनाती है। सिलिकॉन कोटिंग में ये मौजूद होते हैं। साथ इसके एक रिमोट दिया जाता है जिसकी मदद से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसके डिफरेंट फंक्शन जो हैं उनको ऑपरेट कर सकते हैं, जिनमें फ्लैश है, स्ट्रोब है, फेड है, स्मूथ है, चार पाँच फंक्शन है इसके अंदर। ऑन ऑफ भी आप इसको रिमोट की मदद से ही कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी ब्राइटनेस भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कलर ये सारे दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कलर रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको ज़रा सा चला के देख लेते हैं कि ये कैसे कलर चेंज करते हैं। प्राइस में आपको अभी ही बताता चलूं, ये बल्ब आपको अवेलेबल होंगे 450 रुपये में। 450 रुपये इनकी कीमत है, डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होगी, और ये ऑलमोस्ट तमाम बाइक्स को लगते हैं, सॉरी तमाम गाड़ियों को लगते हैं, और बाइक्स जिनमें पार्किंग लाइट का फंक्शन मौजूद होता है उनमें लगते हैं। प्लस काफ़ी सारे बाइक्स जिनमें YBR हो गया या 125, उनकी मीटर के बल्ब के तौर पे भी ये लग सकते हैं। तो चलिए इनको हम ज़रा चला के देखते हैं। चलिए तो अभी हम लोग इसको ऑन करके देखते हैं। ज़रा ऑन वाले बटन को दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका कोई भी कलर दबाएंगे तो वो कलर हो जाएगा, जैसे ये रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, मल्टी कलर हैं। ब्राइटनेस इसकी अगर हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये इसकी ब्राइटनेस कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है। ऑन ऑफ का फंक्शन भी यहीं पे मौजूद है, आप यहीं से इसको ऑन ऑफ ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें फ्लैश का करना चाहते हैं तो फ्लैश का फंक्शन भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें एक फंक्शन मौजूद है स्ट्रोब का, फेड का, यह आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज करता है। ये भी कलर चेंज कर रहा है, रेड हो गया, इसके बाद कोई और कलर हो जाएगा। ये इसमें स्ट्रोब भी है, काफ़ी सारे फंक्शन हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रंग भी रख सकते हैं और फंक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट आइटम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक अदद एलईडी बल्ब है जो कि डुअल टोन में आता है, और इसमें दो कलर्स आपको मिल जाएंगे, एक वाइट और एक येलो। हेडलाइट का बल्ब है और ये H4 माउंट के साथ आता है। जिस बाइक में H4 का बल्ब लगता है उन तमाम बाइक्स में ये बल्ब आसानी लग जाता है। ये बेसिकली एक प्रोजेक्टर बल्ब है जिसकी वजह से ये एक कट सा बनाता है और एक लिमिट में, और काफ़ी तेज़ इसकी रोशनी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया डुअल टोन है, येलो वाइट में, येलो जो है वो डिम लाइट होती है, वाइट जो है फुल लाइट होती है। अभी आपको डेमो भी इसका दिखाते हैं। इसकी बॉडी की अगर बात की जाए तो बॉडी आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है, और एक ग्रे सा कलर है, बड़े एक प्रीमियम किस्म की लुक देती है। पीछे H4 का माउंट है और बैक साइड आप देख सकते हैं जैसे सिंपल H4 बल्ब होता है। प्लग एंड प्ले किस्म की चीज़ है, आपने पुराना बल्ब उतारना है और ये लगा देना है। अब लगता किस बाइक में है, तमाम ऐसे बाइक जिनमें H4 का बल्ब लगता है, जिनमें 150 GS 150 आ जाता है, YBR आ जाता है, होंडा 150 आ जाता है, और इसके अलावा तमाम गाड़ियाँ
कार्स जिनमें H4 का बल्ब लगता है उन तमाम में ये बल्ब लग सकता है। इसकी बॉडी जो है ये इसके हीट सिंक का काम भी करती है, क्योंकि तेज़ लाइट होती है तो इसमें जो भी हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको ये ठंडा रखने में मदद करती है। प्राइस अगर मैं आपको इसकी बताता चलूँ तो ये खूबसूरत सा बल्ब आपको अवेलेबल होगा 1200 रुपये में, और डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है। इसका भी डेमो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए तो हम लोग इसकी लाइट्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फुल लाइट लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फुल लाइट वाइट है और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ लाइट है ये। और इसके बाद जब डिम लाइट हम लोग लगाएंगे उसका कलर है येलो, और ये येलो लाइट आप देख सकते हैं उससे भी ज़्यादा तेज़ है। फुल डिम वाला चक्कर नहीं है, दो कलर्स हैं, एक येलो है और एक वाइट है। अच्छा, अगर आपके पास होंडा 100 है या कोई डीलक्स है ऐसा बाइक जिसमें 100 सीसी वाला बल्ब लगता है, तो उसके लिए भी बल्ब हमारे पास अवेलेबल है। सेम टू सेम यही चीज़ है, इसके माउंट का फ़र्क है। बाकी आप आगे से भी प्रोजेक्टर देख लें, कोई डिफरेंस नहीं है सॉइस माउंट के। ये लगता है जी 100 सीसी बाइक्स में, होंडा डीलक्स में ये लग जाता है। और प्राइस की अगर बात की जाए तो प्राइस भी इसकी सेम है, ये भी आपको 1200 रुपये में अवेलेबल होगा। और ये भी एक प्लग एंड प्ले किस्म की चीज़ है, आपको किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी। जस्ट पुराना जो प्लग है, सॉरी बल्ब है, वो उतारना है और उसकी जगह ये फिट कर देना है। डिलीवरी आपको पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज के प्रोडक्ट भी आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ से आगाह करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ नए आइटम्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ऑटो केयर। अल्लाह हाफिज़।